हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड आज की वीडियो में मैंने एक डाउट क्लियर करने के लिए बनाई है, जो कि ये है कि काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम जो BFA एंट्रेंस एग्जाम देते हैं किसी भी कॉलेज का, तो वो किस मीडियम में देते हैं, लाइक हिंदी में देना होता है या इंग्लिश में देना होता है या लैंग्वेज चॉइस होती है या क्या। एंड अगर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट की बात करूँ आज स्पेशली, तो जो आपको मीडियम होता है बेसिकली एंट्रेंस के टाइम पे भी और कॉलेज में एंटर होने के बाद भी, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। डेफिनेटली एंट्रेंस के टाइम पे भी जो है आपके पास चॉइस होती है, या तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड जो आर्टिस्ट्री वाले बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको जो एस्से वगैरह लिखना होता है, वो उसके पास ही प्योरली चॉइस होती है कि वो हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में से किसी एक में दे सकते हैं। एंड जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं या लाइक आप फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, तब भी आपके पास चॉइस रहती है कि आप कोई भी एग्जाम हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लैंग्वेज बैरियर नहीं है BFA एंट्रेंस एग्जाम में, आप किसी भी मीडियम लैंग्वेज में जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बच्चों को नहीं पता थी, वो लोग कन्फ्यूज़ होते रहते थे इसी में कि हिंदी में प्रिपरेशन करें इंग्लिश में करें, चॉइस आती है या नहीं आती है। सो इस वीडियो के जरिए जो है काफ़ी लोगों को हेल्प क्लियर हो जाएगा ये कि कॉलेज के अंदर जाने के बाद भी आपके पास चॉइस होती है एंड कॉलेज से पहले भी आपके पास चॉइस होती है। सो लैंग्वेज की आप टेंशन मत लेना, कॉलेज में इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट ऐसे वो नहीं है कि नहीं आप हिंदी में नहीं लिख सकते इंग्लिश में, आप हिंदी में इंग्लिश के वर्ड मिक्स करके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स इससे बिल्कुल ओके रहते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्या लैंग्वेज का क्या सीन रहता है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। एंड गाइस, हाँ, BFA जैसे कि BFA एंट्रेंस एग्जाम जो है पास आने वाले हैं, सो उसके लिए जो है मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं, लास्ट ईयर भी डाली थी, इस साल भी मैं नई वीडियोज़ बना रही हूँ। सो अगर आपको कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड डाउट है, तो मैंने स्ट्रीम्स वाली जो है वीडियोज़ पर्टिकुलरली बना दी हैं। आप जिस भी स्ट्रीम को फिल कर रहे हैं, पेंटिंग फिल कर रहे हो, VC फिल कर रहे हो, VC विजुअल कम्युनिकेशन, या अप्लाइड फिल कर रहे हो या स्कल्पचर फिल कर रहे हो, सो मैंने सारी वीडियोज़ बना दी हैं। आप उस वहाँ से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपकी स्ट्रीम्स में को में गाइड करने में बेसिकली। सो उसमें मैंने सीट्स के बारे में बात की है, कितना कंपटीशन रहता है उसके बारे में बात की है, एंड आपके क्या चांसेस हैं उसमें होने के उसके बारे में बात की है, प्लस सिलेबस क्या आएगा उसके बारे में भी बात की है। सो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वो वीडियो ज़रूर अच्छी लगेंगी, कॉमेंट में ज़रूर बताना आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर जरूर बनाऊंगी। एंड गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।